Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's topic is Quadrature Phase Shift Keying, that is QPSK. It is the topic from the subject Digital Communication. In this method QPSK, we have to generate a symbol by combining two bits at a time. मतलब एक symbol generate करने के लिए दो bits का combination ले लेंगे. मैंने एक table बनाया है. I have used four symbols. अब ये four symbols कैसे calculate किए? We have to use two bits. Naturally binary bits 1 and 0. So 2 raised to 2 is 4. So I will be having four symbols S1, S2, S3, S4. Input bits हर एक symbol के लिए मैंने लिखे. It is combination of two bits. अब ये phase shift कैसे calculate कर रहा है? Means what is this phase shift? अगर आप एक सिंबल से मतलब S1 से S2 को मूव कर रहे हो, सो देयर इज अ चेंज इन फेज ऑफ अ कैरियर. वो कैसे कैलकुलेट करना है? द फॉर्मूला इज फेज शिफ्ट बिटवीन सिंबल्स इज 2 पाई बाय m. m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सिंबल्स. वी नो दैट देयर आर फोर सिंबल्स, सो इट बिकम्स 2 पाई बाय 4. यहां पे मैंने लिखा है 2 पाई बाय 4, दैट इज पाई बाय 2. इसका मतलब है अगर आप देखो पहले दिस इज द फेजर डायग्राम. आई हैव शोन फोर सिंबल्स S1, S2, S3, S4 ब्रैकेट में हर एक के बिट्स लेके. फॉर S1 फेज शिफ्ट इज पाई बाय 4. इफ यू आर मूविंग, दिस इज द इनिशियल फेज शिफ्ट. इफ यू आर मूविंग फ्रॉम S1 टू S2, तो ये जो पहले का फेज शिफ्ट है व्हिच इज पाई बाय 4, यू नीड टू एड पाई बाय 2 इन दिस व्हेन यू मूव फ्रॉम S1 टू S2. तो टोटल आएगा 3 पाई बाय 4. तो यहां पे लिखा है 3 पाई बाय 4. सिमिलरली व्हेन यू मूव टू S3, अगेन 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, यू विल गेट 5 पाई बाय 4. फिर व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम S3 टू S4, 5 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, यू विल गेट 7 पाई बाय 4 एंड सो ऑन. सो एवरी टाइम व्हेन यू मूव फ्रॉम वन सिंबल टू अनदर सिंबल, देयर विल बी फेज शिफ्ट ऑफ पाई बाय 2. नेक्स्ट पार्ट इज QPSK ट्रांसमीटर और जनरेशन ऑफ QPSK. ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है. यहां पे हम लोग बाइनरी डेटा अप्लाई कर रहे हैं. देन फर्स्ट ब्लॉक इज बाइपोलर NRZ नॉट रिटर्न टू 0 एनकोडर. इसका क्या फंक्शन है? ये बाइनरी डेटा है, मतलब लॉजिक 0 और लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे. लॉजिक 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय +1, लॉजिक 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय -1. दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइपोलर NRZ एनकोडर. इट्स आउटपुट इज BOPT व्हिच इज हैविंग बाइपोलर वैल्यूज. इट इज अप्लाइड टू डी मल्टीप्लेक्सर. फंक्शन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर है जो इनपुट बिट सिक्वेंस है BOPT, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक इवन पार्ट एक ऑड पार्ट. इवन पार्ट इज डिनोटेड बाय BOPT, ऑड पार्ट इज डिनोटेड बाय B0PT. तो डी मल्टीप्लेक्सर बॉक्स इट ब्लॉक इट कन्वर्ट्स BOPT इंटू इवन एंड ऑड पार्ट. हर एक पार्ट के लिए हम लोगों ने एक मल्टीप्लायर यूज किया. दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लायर. फॉर अपर मल्टीप्लायर रूट PS साइन ओमेगा CT, ये कैरियर सिग्नल अप्लाई किया है. लोअर मल्टीप्लायर का कैरियर सिग्नल है रूट PS कॉस ओमेगा CT. तो ये जो सिग्नल बाहर आएगा इट इज डिनोटेड बाय SEOPT. तो नेचुरली SEOPT विल बी BOPT इनटू रूट PS साइन ओमेगा CT एंड SOPT, ओ स्टैंड्स फॉर ऑड, इज BOPT इनटू रूट PS कॉस ओमेगा CT. सो एट दिस इज द सिंबल ऑफ एडर. एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग सेपरेटली इवन एंड ऑड पार्ट्स. And if you add these two parts, you will get a QPSK signal denoted by SOPT, which is SEOPT and SOOPT. अब देखो, हमेशा we have discussed, एक सिंबल जनरेट करने के लिए दो बिट्स का कॉम्बिनेशन ले लेंगे. Here in case of a transmitter, first is the odd bit, उसके बाद कुछ डिले के बाद मतलब वन बिट पीरियड. वी नो दैट TB स्टैंड्स फॉर अ बिट पीरियड. पहला बिट होगा ऑड का, उसके बाद TB डिले के बाद मतलब दिस इज द डिले. आफ्टर दिस डिले इवन पार्ट विल बी अवेलेबल. इसका क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स दैट बिटवीन द टू सिंबल्स देर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ TB ड्यूरेशन. सो दिस इज द केस, दिस फेज शिफ्ट इज कॉल्ड ऑफसेट. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफसेट QPSK. ये ऑफसेट क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले हम लोग और बिट जनरेट कर रहे हैं, उसके बाद डिले अप्लाई करेंगे, मतलब एक TB का डिले होगा, उसके बाद इवेंट बिट आ रहा है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड
ऑफसेट. सो दिस टेक्निक इज ओ क्यू पी एस के. अगर ये ऑफसेट इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेट कैसे करना है, हम लोगों को पता है डिले क्यों आ रहा है, पहला ऑड बिट है और कुछ टाइम पीरियड के बाद मतलब टीबी के बाद भी इवन बिट आ रहा है. सो इफ यू डिले ऑड बिट इनिशियली इटसेल्फ देन देयर वोंट बी एनी ऑफसेट. सो दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड नॉन ऑफसेट क्यू पी एस के. दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्यू पी एस के रिसीवर. हम लोगों ने ट्रांसमीटर लर्न किया. एज द नेम इंडिकेट्स वी वॉन्ट टू रीजनरेट द ओरिजिनल सिक्वेंस, ओरिजिनल सिग्नल बी ऑफ टी. अब देखो एस ऑफ टी मतलब जो ट्रांसमीटर साइड से सिग्नल आ रहा है दैट इज एस ऑफ टी. फर्स्ट ब्लॉक इज इट इज रेज टू फोर्थ पॉवर, सो यू आर गेटिंग एस रेज टू फोर ऑफ टी. देन वी आर यूजिंग अ बैंड पास फिल्टर which is centered around 4f0. Output of band pass filter will be given, is given by this equation. So it generates 4 times the center frequency. Then we are using frequency divider by 4, kyunki yahan pe in the first block we have raised the power by 4. So frequency divided by divider circuit by 4 will generate 2 carriers which are quadrature shifted carriers. One is cos 2 pi f 0 t or cos omega c t and second is sin 2 pi f 0 t or sin omega c t. Then we are applying these carriers to the multipliers. Ab dekho, multipliers or integrator, isko bolte demultiplexer. So we are having two demultiplexers, combination of multiplier and integrator. Do remember, hum log mathematical analysis nahi kar rahe. I'm telling you the explanation theoretically. तो ये डीमल्टीप्लेक्सर का आउटपुट मतलब मल्टीप्लायर और इंटीग्रेटर का आउटपुट इन द अपर पार्ट विल बी इवन सिग्नल एंड इन द लोअर पार्ट विल बी ऑड सिग्नल. इफ यू टेक मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड पार्ट्स देन बी ऑफ टी जनरेटेड. वन मोर थिंग, ये जो सिग्नल एस ऑफ टी ये वी आर अप्लाइंग इट टू द फर्स्ट ब्लॉक, सेम सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ मल्टीप्लायर्स. तो अपर मल्टीप्लायर का अगर इक्वेशन लिखना है आउटपुट का तो इट विल बी एस ऑफ टी इनटू साइन 2 पाई एफ जीरो टी. सिमिलरली फॉर लोअर मल्टीप्लायर इट विल बी एस ऑफ टी इनटू कॉस 2 पाई एफ जीरो टी एंड देन इट इज अप्लाइड टू द करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटर. सो दिस इज अबाउट द रिसीवर सेक्शन ऑफ क्यू पी एस के. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू पी एस के सिग्नल. और क्वेश्चन मे बी लाइक दिस, obtain mathematical analysis of QPSK signal. We know that in case of phasor diagram, we have studied every time there is a phase shift. So depending on the combination of bits, we know that symbol is generated by making use of two bits. So depending on combination, the different symbols are generated. So the generalized expression of QPSK is written as S of T is square root 2 PS cos omega CT plus 2m plus 1 into pi by 4, because this angle is pi by 4. I will explain this diagram. We have learned this in case of phasor diagram. Value of m is 0, 1, 2, 3. For example, if you put m is equals to 0, then this equation simply becomes root 2 ps cos omega ct, m ka value 0 plus pi by 4, matlab point b aa jayega. Likewise, so by putting different values of m, you will get different combination. Now, next step, this is the cosine term. Ek mathematical formula use karna hai. I have already written this mathematical identity. Cos A plus B is cos A, cos B minus sin A, sin B. So using this, I can write the next equation as S of T is equals to root 2 PS. Is part ke liye mujhe ye formula apply karna hai, cos A plus B ka. Ab A matlab ye term hai. B means second term. So let us put the values. So it is cos A into cos B. So I will write it like this. Cos A matlab omega CT plus ye jao to square bracket bana lo. B matlab 2m plus 1 pi by 4. Cos A into cos B. So it is cos A. Only this part will be there. Cos A into cos B. B is this term. 2m plus 1 into pi by 4. This is for first term, cos A into cos B, cos A into cos B, minus second term. So minus this root 2 PS is common. So I will write it like this, minus root 2 PS sine
omega ct into sine b. B means this term, 2m plus 1 into pi by 4. So I have generated next equation by using this identity cos a plus b. Let us simply rearrange the equation. This is just mathematical manipulation. This equation can be written as root ps into ts cos 2m plus 1 pi by 4. Then outside this bracket, I will write root 2 by Ts cos omega ct. Observe it carefully. Dekho, original term ye hai, root 2 Ps. Ye root 2 suppose, matlab, I will show you this manipulation. Ye root 2 hai, root 2 separate likh sakte hai, phir root Ps separate likh sakte hai. So this is root 2 ps term, root 2 can be written separately, root ps can be written separately, root 2 yahan pe liya hai. Ts ek adjustment ke liye use kiya hai, matlab suppose yahan pe main ts add karunga, to iske bahar bhi 1 by root ts likhna padega. This is just mathematical manipulation so that this ts can be cancelled. So as I said, this is just mathematical manipulation. So equation is, in place of root 2 ps, I have written root ps into ts, this cosine term I have written first, this term, then into root 2 by ts, as I have abhi explained kiya, into remaining term cos omega ct. Likewise, the next term can be written as, ye to pahla term ka ho gaya, second term on the same lines can be written as minus root ps ts sine 2m plus 1 pi by 4, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देते, into root 2 by ts sin omega ct. जैसे मैंने पहले टर्म के लिए एक्सप्लेन किया, on the same lines I have written second term. अब कुछ notations assume करने हैं हमें, I mean for this term, ये जो term है, let us say I will denote it by phi 1 of t, root 2 by ts cos omega ct, let us denote it by phi 1 of t. Same way, ye jo term hai, let us denote it by phi 2 of t. Now, let b 0 of t, matlab odd part, is expressed as root 2 cos 2m plus 1 into pi by 4. Similarly, consider one more equation, b of t is minus root 2 sine of 2m plus 1 into pi by 4. These are the assumed equations of b0 of t and b of t. Let us put these values in the equation of s of t. So s of t ke equation mein ye values put karte, so we will write the new expression for this after putting these values. So new expression can be written as s of t is equals to, dekho, ye b0 ka value root 2 cos 2m plus 1 into pi by 4. Ye cos ka term already hai, sirf mujhe root 2 ek extra chahiye taki main ye term, this term I can denote it by b0 of t. Because b0 of t is root 2 cos 2m plus 1 into pi by 4. तो यहाँ पे root 2 adjust करना पड़ेगा. मतलब ऐसे सोच लो, एक root 2 add करेंगे, तो mathematically compensate करने के लिए 1 by root 2 भी add करना पड़ेगा. So I will write the new expression as square root of ps ts upon root 2 into root 2. देखो ये term, ये root ps ts था, तो mathematically मैंने ऐसे manipulate किया ताकि root 2 will be cancelled and you will get root ps ts, which is the original equation. Root 2 cos 2m plus 1 into pi by 4, this term as it is. Then this term, just now we discussed, it is denoted by phi 1 of t. These two things, phi 1 of t and phi 2 of t, are called orthonormal signals.
Because we have drawn on x-axis phi 1 of t, which is orthonormal signal. Similarly, phi 2 of t is another orthonormal signal, which is drawn on, which is expressed as y-axis. This phi 1 of t is x-axis. Same technique for this term. Dekho, iske liye humne minus root 2 assume kiya hai. Matlab minus sign already absorbed hai. So I will write it plus. पहले एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं, माइनस एज इट इज रखते हैं, देन रूट पी एस टी एस अपॉन टू, मतलब ये यहां पे भी स्क्वायर रूट के अंदर है तो सिर्फ टू आएगा, एज इफ यू आर राइटिंग इट सेपरेटली इट इज रूट टू इन टू रूट टू साइन टू एम प्लस वन इन टू पाई बाय फोर इन टू फाइव टू ऑफ टी. दिस टर्म is simply second term, this term is phi 2 of t. Now let us simplify it further. Ab dekho, this term will be as it is, matlab I am talking about this term, this root 2 cos 2m plus 1 into pi by 4 is b 0 of t. This is b 0 of t. Similarly, this term will be as it is, this minus sign along with this term. Do remember, we are taking minus sign also inside the bracket, is b e of t. So next equation can be written as s of t is equals to, जैसे मैंने बताया ये root 2, इसके लिए b 0 of t आएगा, and this term will remains as it is, p s t s upon 2 into b 0 of t into phi 1 of t plus, देखो ये minus sign already इसमें absorb हो गया है, इसलिए plus लिखा मैंने, plus root ps ts upon 2 into be of t phi 2 of t. In this case, the ts is the symbol time. Recall the things. Ts is 2tb, where tb is the bit duration. तो ts के बदले में 2tb put करेंगे, जैसे यहाँ पे 2tb put करेंगे, so this 2 and 2 gets cancelled. So simply I will write this equation as ps tb. Same way this term can be expressed as ps tb. So this is the mathematical expression of representation of फॉर सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूपीएस के सिग्नल. अब हम लोगों ने फेजर डायग्राम में जैसे लर्न किया है, वैसे फोर पॉइंट्स कंसीडर किए, ए बी सी डी. लुक एट द वैल्यूज, एट वन टाइम वन वैल्यू इज चेंज्ड. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, बी ऑफ टी वन वन रिमेंस एज इट इज, बी जीरो ऑफ टी वॉज वन, दिस बिकम्स माइनस वन. सिमिलरली ये बी जीरो यहां पे माइनस वन एज इट इज रखा है, बी यहां पे प्लस वन था, यहां पे माइनस वन. लाइक वाइज एवरी टाइम वन वैल्यू इज गेटिंग चेंज्ड, एंड इन दिस केस फाइव वन ऑफ टी एंड फाइव टू ऑफ टी फॉर्म्स ऑर्थोनॉर्मल एक्सिस. सो दिस इज द सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूपीएस के सिग्नल.